हाय फ्रेंड्स, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोल्डन की पॉइंट स्टार्टनर्स एग्जाम्स टू पार्ट टू के जो आने वाले वन लाइनर जो क्वेश्चंस है, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे। वीडियो पूरा देखना, उसके साथ जहां और गोल्डन पॉइंट निकलते हैं उसका हम डिस्कशन भी करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग्स दी जाती है? तो सही उत्तर है मिथोट्रेक्सेट। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कौन से क्वेश्चंस निकलते हैं, गोल्डन पॉइंट उसका ये निकलता है तो उसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है फिंगर में, क्या स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, और हैमर टो भी देखने को उसमें मिलता है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, और जो मिथोट्रेक्सेट हम देते हैं वो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, और उसके साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन्स दूर करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी यूज़ करते हैं। जब हम मिथोट्रेक्सेट दें तो उसकी साइड इफेक्ट को हमें चेक करना है और रेगुलर ब्लड टेस्ट कराना है, क्योंकि ये लीवर पर इफेक्ट करता है। याद रखना है, ये गोल्डन पॉइंट है, मिथोट्रेक्सेट लीवर पे इफेक्ट करता है, इसीलिए हमें ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। ठीक है, और उसकी साइड इफेक्ट में फीलिंग सिक, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, डायरिया, हेडेक और हेयर लॉस देखने को हमें मिलता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायबिलिटी रिफर्स टू, वायबिलिटी हम किसको कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ अ फीटस टू लाई आउटसाइड द वूम, कि बच्चा वूम के बाहर एक्स्ट्रा यूटेराइन दरमियान जी सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम? वायबिलिटी कहते हैं। वायबिलिटी अक्सर 24 वीक के बाद बच्चा वायबल हो सकता है, लेकिन अच्छी कंट्री के अंदर और लो इकोनॉमिक कंट्री के अंदर 32 वीक्स वाले बच्चे भी डेथ हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। अ स्किन ग्राफ्ट मेड ऑफ टिश्यू फ्रॉम अनदर स्पीसीज से लिए हुआ टिश्यू को स्किन ग्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं? तो जेनोग्राफ्ट बोलते हैं। देखो उसका और सेम इंडिविजुअल से हम स्किन ग्राफ्ट ले उसको क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ्ट। और आइडेंटिकल ट्विंस में ले, ये पूछा हुआ गोल्डन पॉइंट है, तो उसको हम साइनेजेटिक ग्राफ्ट क्या बोलते हैं? साइनेजेटिक ग्राफ्ट बोलते हैं। और नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल से ले तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं? एलोग्राफ्ट। और डिफरेंस स्पीसीज में ले उसको हम क्या बोलते हैं? जेनोग्राफ्स नाम से जानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, रूबेला को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं? जर्मन मिजल्स। उसमें एक कन्फ्यूजन होता है, रूबियोला आए, रूबियोला यदि पूछे तो रूबियोला मिजल्स का नाम है। क्या है? मिजल्स का दूसरा नाम है रूबियोला, और रूबेला का नाम है जर्मन मिजल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हीमोफिलस डुकरी का कारण क्या है? तो कैंक्रोइड से हीमोफिलस डुकरी होता है। अगला क्वेश्चन। प्राइमरी लंग्स डिजीज लिंक टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का प्राइमरी लंग डिजीज़ कौन सा है? तो उसका जवाब है कोर पल्मोनरी को हम राइट साइड वेंट्रिकुलर फेलियर की बोलते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा होने से ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन। द इन्फ्लुएंजा वायरस इज आरएनए वायरस, इन्फ्लुएंजा कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। अगला क्वेश्चन। कोक्सिला ब्रुनेटी इज एसोसिएट विद क्यू फीवर, ठीक है, क्यू फीवर, तो क्यू फीवर में क्यूएक्स की वैक्सीन लगाते हैं, याद रखना उसका डोज भी ये लिखा हुआ है डोज। अगला क्वेश्चन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कोज हार्ट माल फॉर्मेशन इज द फिटस, के फिटस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्ट माल फॉर्मेशन का क्या कोज है? तो रूबेला की वजह से होता है। और रूबेला में ध्यान क्या रखना है, हमें एजुकेशन देना है कि मदर को कि 3 महीने तक कॉन्सेप्शन का प्लानिंग ना करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। रेटेड डिजीज़ इन द न्यू बॉर्न इज कोज बाय स्ट्रेप्टोकोकाई से देखता है। रेटेड डिजीज़ क्या है? ये आर्थराइटिस है। क्या है? वन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। ठीक है, वो स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। अगला क्वेश्चन। अ लीजन एसोसिएटेड विथ सिफिलिस में कौन से लीजन देखने को मिलते हैं? तो वो होता है घुमा। ये सब गुमा ऐसे होते हैं जो सिफिलिस में लीजन समय देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन। द एब्सेंस ऑफ स्पीच इज, स्पीच का एब्सेंस होना उसे क्या कहते हैं? अफेजिया। अफेजिया 3 टाइप के होते हैं, एक रिसेप्टिव अफेसिया, एक्सप्रेसिव अफेसिया और ग्लोबल अफेजिया। ठीक है, ये याद रखना। रिसेप्टिव मीन्स वो रिसीव करता है लेकिन उसको समझ नहीं पाता है, एक्सप्रेस मीन्स समझता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, ये कहा होता है?
ये उसके दोनों सेंटर होते हैं, एक होता है ब्रुकाज एरिया में, दूसरा होता है वर्निक्स एरिया के अंदर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। बर्न्स पेशेंट्स नीड, बर्न्स पेशेंट्स में क्या सबसे ज़रूरत होती है? हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है। क्यों? तो बर्न्स की वजह से प्रोटीन वॉश आउट हो चुका होता है और जो बर्न्स हुआ है उसके हीलिंग के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। अगला क्वेश्चन, हेबरसन नोड्स आर सीन इज, हेबरसन नोड किस में देखने को मिलती है? वो ऑस्टियो आर्थराइटिस में हमें देखने को मिलती है और उसके साथ साथ हेबरसन नीड ऐसी होती है नोड और बाउचर्स नोड भी उसमें देखने को हमें मिलती है। जनरली ये कहाँ देखने को मिलती है? डिस्टल्स इंटरफिजियल, देखो ये डिस्टल इंटरफेलेंजियल्स में, जॉइंट्स में देखने को मिलती है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में देखने को मिलती है। और वो किसने डिस्क्राइब किया था? विलियम हेबरडन ने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उसको हेबरडन नोड से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द पेरी एम्बेलिकल एरिया ड्यू टू हीमोपेरिटोनियम इन द एक्टिव पेंक्रियाटिस इज कॉल्ड कुलेन साइन। ये दोनों पेंक्रियाटिस के साइन है, क्या है? दोनों पेंक्रियाटिस के साइन है, उसमें एक कुलेन साइन और ग्रेट अनर साइन देखने को मिलती है। कुलेन साइन में क्या होता है? अम्बिलिकस के एरिया के आसपास ब्लू डिस्कशन देखने को मिलता है और ग्रेट अनर फ्लैंक रीजियंस में, कौन से फ्लैंक रीजियंस के अंदर ये देखने को मिलता है, दोनों एक्यूट पेंक्रियाटिस के साइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इज ए कार्डिनल फीचर ऑफ, ईएनए किसमें देखने को मिलता है? तो सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिडेमस, उसमें से एक क्वेश्चन आता है उसका साइन जो होता है वो बटरफ्लाई नोज पे, उसका जो साइन होता है बटरफ्लाई जैसा होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिडेमेटस ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, क्या है? ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग, तो हैंड वॉशिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट क्या है? फ्रिक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हैंड वॉशिंग में हमें मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉशिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, और स्क्रबिंग और हम स्टेरिलियम से जो करते हैं वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, और फ्रिक्शन उसमें 20 सेकंड हमें करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ड्रग्स यूज टू डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है? एंटी कोलिनर्जिक। अगला क्वेश्चन, एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द स्पर्मेटिक वेन इज नोन एज, स्पर्मेटिक वेन का एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाना उसको क्या कहते हैं? वेरिकोसिल कहते हैं। और हाइड्रोसिल को हम क्या कहते हैं? जो फ्लूड का कलेक्शन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसिल्स के नाम से जानते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ऑफ टिटेनस, टिटेनस में मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन क्या देखने को मिलता है? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पाजम, उसके अलावा भी होता है लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पाजम। अगला क्वेश्चन, द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रैबिस्मस में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होती है? तो ऑर्थोप्टिक्स, जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। अगला क्वेश्चन, लेदर लाइक थिकनिंग ऑफ द आउटर स्किन लेयर में, लेदर लाइक थिकनिंग हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लिचेनिफिकेशंस कहते हैं, ये भी पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ईयर विच कंटेन रिसेप्टर ऑफ ईयरिंग इन, कि ईयरिंग में ईयरिंग प्रोसेस में ईयर का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? तो उसमें होता है कोक्लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्टिगमेटिज्म इज अ कंडीशन कोज बाय, एस्टिगमेटिज्म किसकी वजह से देखने को मिलती है? उसमें क्या होता है? इरेग्युलर कर्वेचर ऑफ द लेंस। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, नेफ्रोटोसिस हम किसको कहते हैं? नेफ्रोटोसिस मीन्स होता है कॉमनली कॉल्ड ड्रॉप किडनी, किडनी ड्रॉप हो जाना उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रोटोसिस। अगला क्वेश्चन, द एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस इन द इसोफेगस, इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एब्सेंस होना उसको हम क्या कहते हैं? एकेलेसिया कहते हैं, ये भी पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस में कोज बाय प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन, द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस इज नॉन एज, ऑटोस्क्लेरोसिस में हम कौन सी सर्जरी कराते हैं? तो स्टेपिडेक्टोमी कराते हैं, ये भी आईएमबी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द विड्रोल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड, ये बार बार पूछा हुआ सवाल है, तो डिलीरियम ट्रेमर्स अल्कोहल विड्रोल में देखने को मिलता है। एक्सेस डे टाइम स्लीप इज सीन, ज़्यादा डे टाइम में सोना उसको हम क्या कहते हैं? नार्कोलेप्सी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्टील डिजीज़ आल्सो नॉन एज एट्रोपिक आर्थराइटिस से नाम से जानते हैं स्टील डिजीज़ को।
अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर टेपिड स्पंज, टेपिड स्पंज का टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, 80 फ़ारेनहाइट टू 93 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज, कि प्री मेच्योरिटी में रेटिनोपैथी होने का कारण क्या होता है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, ज़्यादा ऑक्सीजन देने से वजह से भी यह कंडीशन हो सकती है। अगला क्वेश्चन, ईयरिंग लॉस ड्यू टू एजिंग इज नॉन एज, कि एजिंग की वजह से जो ईयरिंग लॉस होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसबाइकोसिस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ड्रग विच डायलेट द पीपिल इज नॉन एज, पीपिल को डायलेट करने के लिए कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मायोडिएट्रिक्स, और जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम मायोटिक्स का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, मायोटिक्स का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ गोल्ड सॉल्ट इज, गोल्ड सॉल्ट की सीरियस साइड इफेक्ट क्या है, तो वो किडनी डैमेज करता है, क्या करता है, किडनी डैमेज करता है। अगला क्वेश्चन, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर आई, पूरी आई को रिमूव करना है उसको हम क्या कहते हैं, इन्यूक्लिएशंस हम कहते हैं। ठीक है, हेमेटोजेजिया इज, हेमेटोजेजिया क्या है, तो फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, स्टूल में फ्रेश ब्लड आना। अगला क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल सोसाइटी, ऑल सोसाइटी का बेसिक यूनिट क्या है, वो है फैमिली। अगला क्वेश्चन, द ईएसआई एक्ट केम इन द ईयर, ईएसआई एक्ट किस साल में आया था, 1948 में आया था। अगला क्वेश्चन, द ऑफिशियल ओरिजिन ऑफ टीएनआई इज, टीएनआई का ऑफिशियल ऑर्गन्स क्या है, सॉरी ऑर्गन्स क्या है, क्या पब्लिश करता है टीएनआई, तो नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया, क्या, नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में से मिलता है, तो फिश ओलिव लीवर ऑयल में से मिलता है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर का एग्जाम्पल क्या है, तो फिब्राइल सीजर वो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, प्ले ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी में कौन सा प्ले देखने को मिलता है, सॉलिटरी प्ले, प्ले में से एक क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, हाइप्नोसिस इज इफेक्टिव इन, हाइप्नोसिस किस में इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो फोबिया में इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगला क्वेश्चन, पेन इन द ब्रेस्ट स्टम, ब्रेस्ट में पेन होना उसको हम क्या कहते हैं, मास्टोडाइनिया, और इन्फेक्शन हो तो उसको हम कहते हैं मास्टाइटिस। अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एन आयन चिलेटिंग एजेंट, आयन चिलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या है, तो डेफोरोसेमाइन, जिसको हम एंटीडोट भी बोल सकते हैं, आयन का एंटीडोट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, न्यूनिट की स्टमक की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 90 ml न्यूनिट की स्टमक की कैपेसिटी, न्यूनिट की पूछी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटी स्टरिलिटी विटामिन कौन सा है, तो एंटी स्टरिलिटी विटामिन है, विटामिन ई। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। कल मिलते हैं 360 डिग्री सीरीज़ के साथ, एक दिन हम वो देखेंगे, एक दिन गोल्डन पॉइंट देखेंगे, जो आने वाली नॉर्सेट और सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।